अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपका भाई मोहम्मद अहमद नक्शबंदी इन मुकद्दस व पाक फजाओं से महाराष्ट्र की आवाम से ये ख्वाहिश करता हूँ कि आपके पास जो महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की आवाम की एक आवाज बनकर बेबाक खाइदाना सलाहियतों को लेकर आपके दरमियान में बहुत ही बड़े पैमाने पर आपके पास आई है और हर इलाके से हर गोशे से उन्होंने अपने MLAs को खड़ा किया है और इस वक्त महाराष्ट्र की आवाम अमन सुकून शांति और अपने मसाइल के हल के लिए और असेंबली में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए अवाम महाराष्ट्र को बेहद जरूरी है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब बनाए और उनको बेहतरीन जो है वोट बेहतरीन तरीके से वोट दें, बड़ी मकदार में वोट दें, तमाम अवाम एकजुट हो जाएं और बिलखसूस अखिलियती अवाम एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब बने। आज 16 अक्टूबर हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आइंदा जो भी आपके पास इलेक्शन जिन जिन एरियों में हैं आप वहां अपने तमाम नुमाइंदों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब बनाएं ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी हर मसले को जो है आपके हक दिलाए, आपका जो है आपका जो मुकाम है वो आपको गवर्नमेंट से दिलाने में कामयाबी हासिल करे। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब के जितने भी साथी हैं, रुफका हैं, जो MLA के लिए खड़े हुए हैं, आप उनको कामयाब बनाएंगे।